नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे पेस बॉलर्स के लिए है। पेस बॉलर्स को कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। एक, उसकी ग्रिप। जब आप बॉल पकड़ते हो आपने सीम देखी है हमेशा आपकी बॉल की, हमेशा ये दोनों फिंगर ये एक सीम के अदर साइड पे रहेगी, आधे हिस्से पे, एक दूसरे वाले हिस्से पे रहेगी। ये आपकी बॉल की ग्रिप रहती है। और जो आपका थंब है वो नीचे इस तरीके से आप बॉल को होल्ड करेंगे, और गैप आपका जो बॉल के बीच में रहता है ये एक उंगली का गैप रहता है आपका। अगर आप बॉलर हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका लेफ्ट हैंड, अगर आप राइट ही बॉलर हैं तो आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ भी करना आना चाहिए। किस तरीके से आप जब जंप लेते हो पॉर्चुगीज में, किस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाता है और वेट ट्रांसफर के साथ ही लेफ्ट हैंड जितना तेज़ी से नीचे आता है आपका पीछे वाला हाथ उतनी तेज़ी से पीछे फिनिश होता है। क्योंकि अगर आप बॉलर हो आप सोचते हो कि मैं तेज़ भागूंगा, तेज़ भागने से बॉल तेज जाएगी, कभी भी तेज़ भागने से बॉल तेज़ नहीं जाती है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका रनअप बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। आज जब रनअप ले रहे हो तो पीछे ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपने रनअप अपना मार्क से स्टार्ट किया, पॉपिंग से बॉल रिलीज करने के बाद आपका वेट ट्रांसफर होने के बाद ही फिनिश होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका वेट, जब आप बॉल रिलीज कर रहे हो तो आपका जंप के बाद पूरा वेट लेफ्ट लेग पर होना चाहिए। जब आप बॉल रिलीज करते हो हेड स्टिल, आप हेड से आप अपने सामने रखेंगे नजरें कि बॉल बॉलर को देखते हुए, बैट्समैन को देखते हुए बॉल करेंगे, बैट्समैन के हाव भाव देखते हुए बॉल करेंगे। आपको इस टिप से फ़ायदा होता है, आपकी बॉलिंग इंप्रूव होती है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।